देखो, जब से ये असंवैधानिक सरकार का गठन हुआ है, मैं इसलिए असंवैधानिक कह रहा हूँ कि संविधान के हिसाब से कोई ये सरकार का गठन नहीं हुआ। हमारे देश के जो संविधान के अभ्यास करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा कि ये सरकार कुछ दिन तक चलने वाली है, इसीलिए इस असंवैधानिक सरकार के सब कामकाज असंवैधानिक दिखते हैं। अभी सबसे बड़ा मसला अगर हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में होगा तो वो है किसानों का। हमें लगता था कि ये अधिवेशन जो है वो किसानों पे चलेगा, होगा और होने वाला है। और दूसरा देखा जाए तो अगर महिलाओं की जो समस्या के मूल कारण हमें महाराष्ट्र में दिखते हैं, अभी कुछ दिन पहले भंडारा में एक ऐसी घटना घटी जहाँ पे एक महिला अत्याचार की बहुत ही यानी दिल दहलाने वाली घटना घटी है। अभी हम चाहते थे कि महिला प्रतिनिधि कोई अगर होते तो वहाँ पर डिस्कस होता, लेकिन इस मंत्रिमंडल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में कोई महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसलिए मैं इस सरकार का निषेध व्यक्त करता हूँ। इस भारत के संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी दी है महिला पुरुष, लेकिन इसमें महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। और ये मैं ये कहना चाहूँगा, हाल ही में राखी का त्यौहार यहाँ से अभी महाराष्ट्र में राखी का त्यौहार मनाया गया, आगे कुछ दिन तो ये सरकार रहेगी और हमारी माँ बहनों की बद्दुआ लगेगी इस सरकार को, वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। कि ऐसी एक ही घटना नहीं, आप मेलघाट में अगर जाओगे तो ऐसे कई देहात हैं, कई गांव हैं जहाँ तक दवाखाने तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब ये वीडियो कल ही आपके न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा, टीवी पर भी चला था, कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ हम आज़ादी के 75 साल मना रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के 75 साल के गुणगान गा रहे हैं, और दूसरी तरफ पालघर जैसे भागों में अगर इस तरीके के हादसे होते होंगे तो ये काफ़ी शर्मनाक बात है। कहाँ लेके जा रहे हो आप देश को? अगर हमारे माँ बहनों को आरोग्य की सुविधा नहीं मिल सकती तो ये देश कहाँ जा रहा है? खाली आप वंदे मातरम, रजा अकादमी, हिंदुत्व, जय श्री राम, इसी पे आप घुमा रहे हो क्या? किसान जो खुदकुशी कर रहे वो तो हिंदू है ना। तो इन लोगों ने एक तो तय करना चाहिए कि ये किस पे अमल कर रहे हैं, भारतीय संविधान पे या मनुस्मृति पे। अगर ये संविधान पे अमल करने वाले लोग रहते थे तो यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता था। ये तो मनुस्मृति के उपासक दिखते हैं जिनको महिला नहीं चाहिए, जिनको इस तरीके से अगर यहाँ पे हमारी माँ बहन मरती होगी, उनके बाल बच्चे मरते होंगे, तो इन्होंने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने को ना, ये सरकार मैं बताता हूँ आपको, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, एक तरफ आज अभिनंदन का प्रस्ताव रखा गया, दूसरी तरफ हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल को भी पढ़ा गया, और संविधान के प्रियम्बल की शुरुआत ही ऐसी है कि हम भारत के लोग, ऐसा संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश की पहचान दी है। एक तरफ देवेंद्र जी फडणवीस ये भी बोलते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें भारतीय संविधान दिया, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी होशियारी से वो ये भी कहते हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराज होने वाली द्रौपदी मुर्मू जी, ये आदिवासी समाज से आती है और आदिवासी समाज को पहली बार यहाँ पे मोदी जी ने एक राष्ट्रपति स्थान पे एक यानी सेवा का मौका दिया या मौका दिया, सम्मान दिया, ऐसा वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं। फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो उपराष्ट्रपति बने जगदीश धनवट, तो उनकी भी समाज का जिक्र किए करने का थोड़ा प्रयास कीजिए। कल अगर देवेंद्र जी देश के राष्ट्रपति बन जाए तो क्या वो खुद की जात बताएंगे? या कोई शिंदे साहब अगर राष्ट्रपति बन जाए तो हम क्या जात पूछेंगे उनको? एक तरफ आप कहते हो कि जाति व्यवस्था का उच्चाटन हो और वही दूसरी तरफ आप राष्ट्रपति की जात का उल्लेख करते हो, वो भी सभागृह में। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, मेरा इस बात के लिए तीव्र विरोध है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या पिछली बार कांग्रेस ने भी ऐसा उल्लेख किया था शायद कभी कभार, तो कोई भी पार्टी हो, किसी भी कुर्सी पर बैठने के बाद अगर उनके जाति का यहाँ उल्लेख होता होगा तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मत लो, उसका अधिकार नहीं आप। देखिए, सभी का कहना यही है कि 50 खोखों में, अब खोखों में कितने नोटों के बंडल भरे थे वो मैंने तो गिना नहीं, 50-50 खोखों में जो विधायक उनके साथ गए, जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करके गए हैं, अगर वो पैसा ये लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, एजुकेशन पे, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अगर समस्या कोई होगी तो वो किसानों के बारे में है, वो एजुकेशन के बारे में है, वो हेल्थ रिलेटेड है। तो अगर ये पैसा हेल्थ पे, एजुकेशन पे और किसानों पे खर्चा किया जाए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी जो पालघर का जिक्र आपने कुछ समय पहले किया, कि इस तरीके से अगर घटना होती हो, एक तरफ एम्बुलेंस नहीं है, दूसरी तरफ 50-50 खोखे दिए जाते हैं,
ये भी भारतीय संविधान का एक तरीके से खून करने का काम ये सरकार कर रही है। पैसों से आप लोग खरीद सकते हो, पैसों से आप ईमान नहीं खरीद सकते। जो ईमानदार लोग हैं वो महाराष्ट्र के साथ गठबंधन में पिछली बार थे, अभी भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये गद्दारी से गए, लेकिन कोई पैसों की वजह से गए। किन लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी कोई प्रॉपर्टी के कागजात बाहर निकाले गए। कुछ लोग ऐसे भी उसमें, मेरे दोस्त भी मुझे कुछ मिले, वो बोलते हैं हमारी कोई वीडियो शूटिंग उनके पास है कि वो दिखा के हमें टॉर्चर कर रहे हैं, कि मानसिक एक तकलीफ देने का काम ये गवर्नमेंट हमें कर रही है। कुछ वीडियो शूटिंग है, कोई कागजात है, कोई प्रॉपर्टी के कागजात है। तो इस तरीके से साम दाम दंड भेद का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके ये सरकार सत्ता पे आई है। और ये कुछ दिन के बाद आपको जब ये रिजल्ट आएगा रमन्ना के खंडपीठ के आगे, सर न्यायाधीश रमन्ना जी के, तो मुझे विश्वास है कि ये सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी। देखिए, कंबोज ये कोई बड़ा लीडर है नहीं, और कंबोज जो है वो कोई पार्टी का कोई बड़ा नेता है नहीं। वो किसका काम करता है सबको पता है। ये वही कंबोज है जो कभी किसानों की खुदकुशी पर कभी बात नहीं करता। ये वही कंबोज है जिसको कोई माँ बहन अगर मरती हो, अत्याचार होता हो, तो कभी वो मुँह नहीं खोलता। इस कंबोज की अगर पहचान आप पूछेंगे तो ये ईडी और एमडी का प्लेडर है। अब ईडी और एमडी का प्लेडर कौन होता है ये महाराष्ट्र के बच्चों को पता है। तो ऐसे लोगों से घिनौनी हरकत के सिवा हम कोई गुंजाइश नहीं कर सकते। उसको उसकी ट्वीट को इतना मायना देने, मुझे लगता नहीं कि इतना महत्व दिया जाए। कंबोज ये पूरी तरीके से मनुस्मृति का अनुशासन लाने के लिए प्रयास करने वाला, और अगर इसको पता होगा ईडी सीबीआई के बारे में तो एक चौकीदारी करता है कि वहाँ, तो मैं तो आपके चैनल के सामने ये कहूँगा कि इस मोहित कंबोज की भी चौकसी की जाए कि अगर इस तरीके से वो बवाल खड़ा करता हो और महाराष्ट्र के खास मसले जो है किसानों के बारे में, और वो मसले हमारे आगे से नज़रिया से निकल जाए इसलिए वो इस तरीके से बेतुके बयान करता हो, तो इसको जो ब्रीफिंग आती है वो किसके पास से आती है, किसका काम करता है, किसका हस्तक है ये मोहित कंबोज, कौन है, इसका महाराष्ट्र से क्या लेना देना है? इसको कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से आया हुआ आदमी है जो यहाँ पे आके खाली सियासत करने पे तुला है। कौन है मोहित कंबोज? वो उसको ज़्यादा अहमियत देने को मुझे नहीं लगता। ये एक थर्ड क्लास पर्सन है, इसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जो खबर आई है कि वैश्विक फुटबॉल संगठन फीफा ने भारत के फुटबॉल संगठन के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं और भारतीय क्रीड़ा संगठन को, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को वैश्विक संगठन से अलग कर दिया है, एक उस पर कार्रवाई की है, और इसके आगे कोई भी वैश्विक स्पर्धाएं, कोई भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स भारत में नहीं हो सकेंगे। विशेषकर जो इस साल के अंत में एक अंडर 17 महिला विश्व कप भारत आयोजित करने वाला था, उस पर भी रोक लगा दी गई है। मेरी मांग है कि केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री इसके बारे में एक वक्तव्य करे, पूरा स्पष्टीकरण दे, जो दोषी है वो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे वो बताएं, और जल्दी से जल्दी जो भी गलतियां हुई है, जो भी अनियमितता हुई है, उसको सुधार कर फिर फीफा का पूरा सदस्य भारत को बनाने के लिए कोशिश करें, अन्यथा देश के करोड़ों फुटबॉल प्रेमी बहुत ही इस फैसले से बहुत ही नाराज़ है, बहुत ही दुखी। किसी का भी नाम लेना गलत रहेगा। प्रफुल्ल पटेल एक अच्छे क्रीड़ा संगठन है, उन्होंने अपना पद, अभी वो उस पद पे नहीं है। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जो भी हुआ है वो केंद्रीय क्रीड़ा मंत्रालय इसके बारे में एक पूरी टिप्पणी, पूरी एक स्टेटमेंट, पूरा वक्तव्य जारी करें, और जो भी हालात है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के, उसके बारे में सच्चाई फुटबॉल प्रेमी जनता के सामने रखें, देश के सामने रखें, और तुरंत इस कार्रवाई को बदलने के लिए फिर से भारतीय फुटबॉल संघ को फीफा का सदस्य पूरी बनाने में जो भी करना पड़े जल्दी से करें। हमारे लाखों करोड़ों फुटबॉल प्रेमी आज बहुत ही अस्वस्थ है, बहुत ही नाराज है, बहुत ही दुखी है। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र की ये संस्कृति है, महाराष्ट्र का ये उत्सव है, पूरे देश में मनाया जाता है, मगर महाराष्ट्र की बात ही कुछ और है। हमने पिछले 22 सालों से मैं लगातार आयोजक के तौर पे ये दहियांडी का आयोजन कर रहा हूँ। 2012 में जोगेश्वरी के जय जवान गोविंदा पथक ने हमारे ही व्यासपीठ पे एक विश्व विक्रम प्रस्थापित किया था, जिसकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नोंद ली है,
उनको बख्शीश की रकम भी मिल गई, मगर साथ ही में बहुत सारे लोगों के ये कहना था कि गोविंदा की जो छुट्टी होती है वो एक दो दिन पहले डिक्लेयर की जाती है, वो कम से कम 3 हफ्ता पहला डिक्लेयर किया जाए। हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब के आने के बाद मैंने वो मांग की थी और वो मांग पूरी करके गोविंदा की छुट्टी हो गई है, छुट्टी डिक्लेयर की गई है। और साथ ही में हमारी दूसरी मांग थी कि गोविंदा को बीमा कवच होना चाहिए, वो भी मांग कल के कैबिनेट बैठक में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस ने मांगने की है। मैं ये चाहता हूँ कि गोविंदा एक दिन का उत्सव नहीं होना चाहिए बल्कि 365 दिन जैसे पिरामिड स्पेन में होता है, चाइना में होता है, उसी तरह महाराष्ट्र में होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए। और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ ही वक्त बाद एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक बुलाई है और अगले सालों से प्रो कबड्डी के लेवल पे प्रो गोविंदा की निर्मिति की जाएगी और राज्य शासन के माध्यम से वो जो स्पोर्ट्स है इसको डिक्लेयर करते हुए राज्य के हर कोने में वो क्रीड़ा प्रकार के रूप में खेला जाएगा। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मगर हाँ एक बात है कि उनके बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क। देखिए, हेलो कहा जाता ही हेलो तो क्या कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में हेलो कहा जाता है, मगर जिसके दिल में राष्ट्रभक्ति हो वो अगर वंदे मातरम कहेगा, वो अगर जय महाराष्ट्र कहेगा, वो अगर जय हिंद कहेगा, तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश के हित के रूप में है। और अगर सुधीर भाऊ ने वो मांग की है तो गलत नहीं है। मैं खुद भी हेलो की बजाय अगर वंदे मातरम बोलूँ मुझे उसका गर्व होगा।